This is the day the Lord has made, dear friends. Let us rejoice and be glad in it. और मेरे प्रिय मित्रों ये वो दिन है जो यहुआ ने बनाया है और होने दे हम इसमें आनंदित हो जाएं। Thank God for His faithfulness. Thank God for His mercies which are new every morning. और धन्यवाद हो परमेश्वर का उसकी दया के लिए उसकी करुणा के लिए जो हर दिन नई है। And the Lord who has given us this day also has released already everything we need that we may live a victorious गॉडली एंड होली लाइफ और परमेश्वर ने ये दिन हमें दे दिया है और इसके साथ हर एक उस बात को हमारे लिए मोहिया कराया है जिसकी ज़रूरत हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए है रिमेम्बर वी आर मेडिटेटिंग वी स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन डी बुक ऑफ आइसाय चैप्टर 57 वर्स 15 और याद रखिए अगर आपको याद होगा हमने अपने पिछले मनन में जो कि मंगलवार को था उसमें हमने यशिया नबी की पुस्तक उसके सत्तावनवे अध्याय और पंद्रवे वचन पर अपने मनन को शुरू किया so, था। सो इन दिस मेडिटेशन वी आर गोइंग टू कंसिडर द ग्रेटनेस ऑफ गॉड और अपने इस मनन के या आज के मनन पर हम परमेश्वर की महानता के बारे में बात करेंगे आवर लास्ट मेडिटेशन ऑन ट्यूजडे वॉज क्लोज टू विद्वेश्चन और हमारा जो पिछला मनन था जो मंगलवार के दिन का था वो एक सवाल के संग हमने रोका पॉसिबल फॉर अस टू रिलेट टू संभव है हमारे लिए कि हम एक ऐसे परमेश्वर के संग रिश्ता बना सके रखिए उस गीत को जो हम गाते हैं what a mighty God we serve. तो कितने शक्तिमान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Heaven and earth adore him. और वो स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा गाते हैं। और कितने शक्तिमान परमेश्वर की सेवा हम करते देर फॉर डू नॉट बी अफ्रेड और इसलिए डरो मत। ना his ग्रेटनेस इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन और याद रखिए उसकी महानता वर्णन किया अपार है Why? क्यों बिकॉज ही ड्रोच लाइट क्योंकि वो एक ऐसी ज्योति में विराजमान है जिसके निकट कोई पहुंच नहीं सकता और वो सबसे ऊंचे स्थानों पर विराजमान है सो द क्वेश्चन इज और इसलिए सवाल ये उठता है हाउ डू वी रिलेट हिम की हम उसके संग कैसे रिश्ते में चलते हैं ही ऑल्सो सेड गॉड हिमसेल्फ से परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा आई विल डुवेल विथ हिम हु इज कॉन्ट्रोल और अब मैं तो उसके बीच में वास करूंगा जो दीन है और खुद में संतुष्ट आंसर और यहाँ पर आपका उत्तर है इज इट पॉसिबल फॉर अस टू रिलेट टू हिम क्या ये संभव है कि हम उसके साथ एक रिश्ते को बनाने पाए फ्रेंड्स इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बाई एबिलिटीज और आवर ओन स्ट्रेंथ और मेरे मित्रों हमारे अपने सामर्थ्य हमारे अपने ज्ञान हमारे अपनी शक्ति में तो ये बिल्कुल संभव नहीं बट इंस्टेट लेकिन उसके पास बजा हिमसेल्फ इज विलिंग टू कम डाउन रिलेट हिमसेल्फ यू लेकिन परमेश्वर तो खुद तैयार है की वो पृथ्वी पर आज आए और आपके संग एक रिश्ते को बनाए सो यू Have to struggle, Morris, but look to him and bless his holy name and exalt him for making himself. To us. लेकिन उसकी उसके को निहारे और उसके नाम को ऊंचा आप को हमारे लिए तो परमेश्वर की वाणी है आई विल्बुल और मैं तो उसके बीच में वास करूंगा जो दीन है और मन में संतुष्ट व्हाट इजिटी और दीनता क्या है? Humility is acknowledging God as the only source of your blessing. और दीनता तो ये है कि आप परमेश्वर को अपने हर एक आशीष का स्रोत कहते like, हैं। Like David, दाऊद के समान। How did he acknowledge it? उसने कैसे परमेश्वर को पहचाना? In his prayer he said, उसने अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को कहा, I have nothing.

पीतल हर प्रकार की वस्तुएं मौजूद थी ही हैज दैट ह्यूमिलिटी टू एक्नॉलेज दैट गॉड एंड गॉड अलोन इज द सोर्स ऑफ Everything that he had. और उसके पास वो दीनता थी कि हाँ परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर ही हर एक उस बात का स्रोत है जो उसके पास है And he, this God say, और ये परमेश्वर कहता है Can anyone calculate his riches? क्या कोई उसकी सुख और समृद्धि को माप सकता है नो, no. नहीं। ऑल द गोल्ड जितना भी सोना है गॉड से परमेश्वर कहता है ये सब मेरा ही है ऑल सिल्वर सारा चांदी ऑल कॉपर जितना तांबा एंड ब्रॉन्स और जितना पीतल एंड एनीथिंग तत्व जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो कहता है ये सब कुछ मेरे ही and है दिस माइटी ग्रेट गॉड से और ये शक्तिशाली परमेश्वर कहता है आई विल ड्वेल विथ हिम हु इज कॉन्ट्राइट And broken in heart and humble. और वो ये कहता है कि मैं ऐसे के बीच वास करूंगा जो दीन है और जिसका मन टूटा और प्यासा है So, मैंस हार्ट इज द सेकेंड इंपोर्टेंट मैं और इसलिए याद रखिये मनुष्य का हृदय ही वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है या वो बंगला है जो परमेश्वर जहाँ वास सच्चाई में दट गॉर्ड इज से जिसको परमेश्वर यहाँ पर कह ऑल्सोल ऑफ मैं यहाँ पर हम मनुष्य की महानता का एक प्रकाशन भी देखते है ओवर ऑल द क्रिएशन कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को हर दूसरी सृष्टि से ऊपर ठहरा दिया है हाउ डू वी सी मैन ग्रेटनेसर और कैसे हम मनुष्य की महानता को यहां देखते हैं दैट मैन इज सेट फोर्थ सेट अपार्ट फ्रॉम मनुष्य को सारी दूसरी पीढ़ियों से जानवरों से और हर एक दूसरी जीवित वस्तु से अलग कर दिया ये सेट अपट मैन और उसने मनुष्य को अलग कर दिया उसे ऊंचा दर्जा देते हुए मैन इज़ द रेस्ट ऑफ़ गॉड्स क्रिएशन। और इसलिए मनुष्य परमेश्वर की दूसरी सारी सृष्टि से सबसे ऊपर है डेविड सैंग इन वन ऑफ इज सॉ और दाऊद ने इस प्रकार अपने एक भजन में गाया हाउ फियरफुली एंड मार्वलसली आई बीन मेड इन माई मदर्स वो कि कितने भय के साथ और कितने चिंतन और ध्यान के साथ तूने मुझे मेरी माँ की कोख में बनाया गॉड्स हैंडी वर्क और परमेश्वर के हाथों बनाया गया द यूटरस ऑफ अ वूमन और जो एक महिला का जो गर्भ है एस बिग एस ए बिग मार्बल और जैसे एक बड़ा पत्थर होता है उसके समान इन दैट प्लेस और उस एक छोटे से गिट्टी के समान स्थान पर God has formed you. परमेश्वर ने आपको बनाया. And when you consider human body, और जब आप मनुष्य के शरीर की बात करें, certainly it is fearfully and marvelously made. तो सच ही है कि इस देह को इस शरीर को परमेश्वर ने अद्भुत और भय के साथ बनाया. Man's greatness is consisted of two things. और मनुष्य की महानता में दो बातें आती हैं. नंबर पहली बात टू हैव गॉड सो डिंग इन कि परमेश्वर हमारे भीतर ऐसे वास करे दट वी हिज प्रेजेंस ताकि हम उसकी उपस्थिति को पहचानने पाए एंड नो वी आर हिज एंड ही इज आवर्स और इस बात को जाने और समझे कि हम उसके हैं और वो हमारा है वी आर हिज उसके हैं And he is ours. और वो हमारा है लिए उपलब्ध कराया God not dwell with the wise और याद परमेश्वर बुद्धिमानों के बीच वास नहीं करता। Because of their wisdom। क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है not with the great, because of their greatness। और ना ही महान लोगों के बीच क्योंकि वो इतने महान हैं। रिच बिकॉज ऑफ दर रिचे और ना ही धनवानों के साथ उनके धन की वजह से नॉट विदॉज ऑफ दर पॉवर्टी और ना तो गरीबों के साथ उनकी निर्धनता के अनुसार बट ही लिव्स विद ऑल लेकिन वो तो हर एक के साथ रहने वाला परमेश्वर वाइस और ग्रेट चाहे वो ज्ञानी हो और महान हो रिच और पुअर चाहे वो धनवान हो या निर्धन हो

उड की परमेश्वर घमंडियों को गिराता है बट गि ग्रेस टू द हम्बल लेकिन दीन जो दीन है उसे अपना अनुग्रह देता है जेम्स फॉर सिक्स और याकूब की पत्र उसका चौथा अध्याय छठावचन डू नॉट ब्रिंग अवर सेल्व टू अ

तब हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा एंड इट इज क्लियरली से इज प्राइड कैन क्रॉस गॉड टू अपोस घमंड एक ऐसी बात है जो परमेश्वर को आपके विरुद्ध ला सकती है आपको पता होगा झरने पहाड़ों से गिरते हैं और हर एक नदी की जो स्रोत है वो किसी पहाड़ से है सो रिवर बिगे फ्रॉम दाई टू दी बहना शुरू करती है ऊंचे स्थान से नीचे की ओर

Blessings, it would have been for for him and for the entire world। वो घमंड आ गया उसने खुद से ये कहा उठाकर परमेश्वर की बराबरी करना चाहता

God opposes the proud. और याद रखिए परमेश्वर घमंडियों के विरुद्ध खड़ा होता है. But give grace to the humble. लेकिन जो दीन हैं उन्हें अनुग्रह देता है. So be humble. और इसलिए दीन हो जाएं. You will have all the graces that you need. और आपके पास तब वो अनुग्रह होगा जिसकी आवश्यकता आपको. है। So God's mercies are new and it is so rich. और याद रखिए परमेश्वर की दया नई है और करुणा भी. How is it possible? और ये कैसे संभव है? you need the holy spirit आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है humble yourself खुद को दीन करें be filled with the holy spirit पवित्र आत्मा से भर जाएं lord this we we pray that today you grant to us your grace that we may be humble before you और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन तू अपना अनुग्रह हमें दे ताकि हम खुद को दीन कर सकें without you lord we are nothing and we can do nothing और तेरे बिना तो हम कुछ भी नहीं और ना ही कुछ कर सकते हैं Everything comes from you. हर एक बात तुझी से आती है. So Lord, we are here before you. और इसलिए परमेश्वर हम यहाँ आपके सामने। In all humility, we pray that you grant to us your grace and the दिन... riches of your love to face this day and its challenges. और पूरी दिन के साथ हम इस प्रार्थना को करते हैं कि तू हमें अपने अनुग्रह और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर ताकि हम आज की चुनौतियों का सामना करने पाएं. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. By His power. उसके सामर्थ के द्वारा.